हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी के रियलमी नार्जो 30A के यूजर हैं, तो फाइनली रियलमी ने रियलमी नार्जो 30A में अप्रैल के मंथ में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी नार्जो 30A के यूजर हैं, तो फटाफट एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करिए। हो सकता है कि ये अपडेट आपको OTA के द्वारा मिल गया हो। नहीं मिला तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये अपडेट आपको OTA के द्वारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि आपके Realme Nazo 30A में Android 11 यानी Realme UI 2.0 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब तक आपको Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आपके Realme Nazo 30A में क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो इसके लिए आपको नार्जो 30A की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि रियलमी नार्जो 30A में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि रियलमी नार्जो 30A का जो प्रीवियस वर्जन है वो है 8.13 और दोस्तों जो अपडेट आया है उसके वजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.15 और साइज की बात करें तो दोस्तों वो है 359 MB के आसपास की साइज है, तो काफी बड़ी साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है तो आपको लर्न मोड में मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा जो कि मार्च अप्रैल की बात की गई है 2021 का। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसके पहले आपके Realme Nazo 30A का जो सिक्योरिटी पैच है वो 5 फरवरी का है। और सिस्टम की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिक्स द सम नोन इशू और ऑप्टिमाइज द सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया गया है कि क्या कुछ एडिशनल फीचर इस अपडेट में देखने को मिले हैं, क्योंकि Realme Nazo 30A में अभी भी Realme लैब में कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो एक बार मैं अपडेट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि Realme Nazo 30A के अपडेट करने के बाद सिक्योरिटी पैच क्या है और कुछ एडिशनल फीचर आपके Realme लैब में देखने को मिले हैं कि नहीं। तो दोस्तों अभी भी वीडियो, तो दोस्तों जो अपडेट आया था मेरे Realme Nazo 30A में उसको मैंने अपडेट कर लिया है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो मुझे देखने को नहीं मिले, काफी बड़ा अपडेट था। अगर मैं आपको सेटिंग्स में ले जाके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में कि जो मेरा फोन है वो अपडेट हो चुका है और जो वर्जन है वो 8.15 है। और फीचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं, यहाँ तक कि Realme लैब में भी किसी तरह का एडिशनल फीचर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर दोस्तों सिक्योरिटी पैच की बात करें तो इस अपडेट के बाद आपके Realme Nazo 30A का जो सिक्योरिटी पैच है वो 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिला है। तो ये तो काफी अच्छी बात है कि आपको इस अपडेट के बाद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको Realme Nazo 30A में Realme UI 2.0 यानी Android 11 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, Realme के टाइम के अकॉर्डिंग जो Realme Nazo 30A का टाइम पीरियड है वो Q3 यानी क्वार्टर 30A में देखने को मिलेगा, जो कि मंथ है जुलाई से लेके अगस्त तक। तो ये शुरू में आपको बीटा वर्जन के तौर पे देखने को मिलेगा, जो उसमें लगभग 4 हफ्ते लग जाते हैं स्टेबल अपडेट आने में। तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि सितंबर के मंथ में आपको Realme Nazo 30A में Android 11 यानी Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।